हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि जियो सिम में आपका नेटवर्क शो नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, आपका जियो सिम का नेटवर्क चले गया तो या आप कैसा फिक्स कर सकते हो अपना नेटवर्क को, आप पीस रिटर्न कैसा ला सकते हो, तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। इस पर मैंने आपको बताया, वो सारे स्टेप फॉलो करके आप अपने नेटवर्क को रिटर्न ला सकते हो, उसको नेटवर्क पकड़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा जब भी जियो का नेटवर्क जाता है फ्रेंड्स, हमारा ये कनेक्ट नहीं हो पाता है फ़ोन से। आपका जो सिग्नल रहता है, एंटीना होता है फ्रेंड्स, वहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या जियो के सर्वर पे कनेक्ट नहीं हो पाता। इस वजह से आपका जो भी नेटवर्क होता है फ्रेंड्स, वो चले जाता है और शो नहीं करता है। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, वो बता दो। आपको सेटिंग में जाना है फ्रेंड्स, यहाँ ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर आपको जाना है। तो आपका कोई भी मोबाइल हो फ्रेंड्स, वहाँ मोबाइल नेटवर्क पर आपको चले जाना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ आपको अपना सिम देखना है, तो सिम वन सिम टू में जिसमें भी आपका जियो लगा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमको करियर देखने के लिए मिलेगा, सबसे नीचे आपको देखना है करियर लिखा होगा फ्रेंड्स, हर एक मोबाइल में ये होता है, और यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको करियर फाइंड कर लेना है। सिम कार्ड इन्फो एंड सेटिंग में आपको मिलेगा, यहाँ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पहले से ऑन होगा, इसको आपको ऑफ करना है। तो ये ऑफ होने में 2 से 3 सेकंड लगता है, कभी 5 सेकंड लगता है। उसके बाद आपको यहाँ सजेस्ट करेगा, आपके एरिया में जो भी नेटवर्क अवेलेबल होएगा जियो का वो सजेस्ट करेगा, तो आपको इसको सर्च करने देना है। और इसको आपको जब भी नेटवर्क शो होएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसा सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को थोड़े देर के लिए आपको ऑफ ही रखना है। तो इधर हमारा आ चुका जियो 4G, और ये हमारा ऑटोमेटिक क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ है, और हमने मैनुअली जियो 4G को सेलेक्ट कर लिया है, और यह हमारा रजिस्टर ऑन नेटवर्क हो चुका है। तो ऐसा आपका जो भी आ रहा प्रॉब्लम, आपका रजिस्टर नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन हट जाता है फ्रेंड्स, इस वजह से आपका ये देखने के लिए प्रॉब्लम मिलता है। तो आपका अपना नेटवर्क को रजिस्टर करना पड़ता है जियो के 4G में। और आप चाहे तो अब जब आपका रजिस्टर हो चुका है तो ऑटोमेटिक को भी चालू कर सकते हैं, पर आपको 5 से 10 मिनट के बाद कर लेना है इस ऑटोमेटिक को। और यहाँ फिर आपको बताना चाहूँगा, फिर भी आपका नेटवर्क थोड़ा पकड़ने में बिजी हो रहा है तो इनेबल द सिम कार्ड को आपको डिसेबल कर देना है। तो आपके सिम कार्ड को डिसेबल करके फिर से आपको ऐसा करना है, तो इससे आपका नेटवर्क ऑफ हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक आपका यह ढूंढता है नेटवर्क को और कनेक्ट होता है। तो ये हुए 2 स्टेप, और तीसरे स्टेप में हम जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ हमको क्या करना है, हमारा फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। आप चाहे तो स्विच ऑफ करके 1 मिनट के बाद फिर से स्विच ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है वो अब दोबारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इतना 3 चीज़ आपको स्टेप फॉलो करके आप अपना जो भी जियो का नेटवर्क नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, वो सॉल्व कर सकते हो।